साथियों देखिए, हम अभी सेंट्रल सिल्क बोर्ड मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पे है। दोस्तों अभी जो हाल ही में रिक्रूटमेंट का यहाँ पे निकली थी दोस्तों, आप लोग के जूनियर इंजीनियर का और यूडीसी के पोस्ट का, तो दोस्तों उसका रिजल्ट अभी तक इन्होंने जारी नहीं किया है। दोस्तों विदिन अगर हम बात करते हैं 2 से 3 मंथ के आसपास हो गया है, 2 मंथ के आसपास हो गया है दोस्तों, लेकिन इन्होंने अभी तक रिजल्ट नहीं जारी किया है। आखिर ये कर क्या रहे हैं दोस्तों, समझ में नहीं आ रहा है। मैंने हर एक तरह से, आप लोग भी देखे होंगे कि बहुत सारे वीडियो मैंने बना चुका है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे फिर भी रिजल्ट की कोई बात नहीं किया गया। मैंने कॉल से भी ट्राई किया है, मेल से भी ट्राई किया है, लेकिन किसी तरह के उन्होंने रिप्लाई नहीं दिया है दोस्तों। अब दोस्तों इस रिजल्ट के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ट्विटर पे कैंपेन कीजिए, क्योंकि दोस्तों बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट एक तरह से कहा जाए तो सेंट्रल सिल्क बोर्ड का है। आप लोग ट्विटर पे क्या कीजिएगा, सबसे पहले आपको ये सेंट्रल सिल्क बोर्ड मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल को यहाँ पे टैग करना पड़ेगा। दोस्तों जैसे हम यहाँ पे पहुँचते हैं, आपको क्या करना पड़ेगा, इसके नीचे हम देख सकते हैं आपको इतना फ्रेंड्स फॉलोइंग यहाँ पे मिलेगा दोस्तों। CS देखिए, आपको टैग क्या करना पड़ेगा, CSBMOT, ये टैग @ में डाल लीजिएगा तो अपने आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आप जैसे ही यहाँ पे डालते हैं, आपको यहाँ पे इसका फ्लोवर्स मिल जाता है। देखिए कितना फ्लोवर है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस तरह का पेज ओपन होगा और ये इसका ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है। इसमें दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे टैग करना पड़ेगा और आपको ट्वीट करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं बहुत सारी यहाँ पे ट्वीट पहले से आई हुई है दोस्तों, और ये इनका ऑफिशियल ये हैंडल है। तो आप लोग को इसको कैसे चेक करना है, जैसे यहाँ पर कंपोज में जाइएगा आपको इस तरह का आएगा, और आपको क्या करना है, आप लिखना है यहाँ पे जो आपको जैसे रिजल्ट पब्लिश हुआ डिले, ये सब मतलब आपको जितना हो उतना लिखना है। आपको इसमें और भी टैग करना है, जैसे आपको PMO यहाँ पे टैग करना है, PMO इंडिया, क्योंकि दोस्तों रिजल्ट जैसे रेलवे का था दोस्तों, तो उसके लिए भी हम लोग ट्विटर के चलाए थे तो रिजल्ट दिया था। दोस्तों ये बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है, तो इनके लिए भी हम लोग को ट्विटर पर कैंपेन करना पड़ेगा। अब दोस्तों हम ही लोग के साथी में से कुछ ऐसे साथी भी होंगे जो कि दोस्तों वो इस चीज़ को अपोज करेंगे, कहेगा इससे क्या फ़ायदा होने वाला है। दोस्तों अगर फ़ायदा होती नहीं है तो बहुत नुकसान भी तो कोई नहीं है, आप लोग जरूर इसको ट्राई किए। आपको एक माध्यम है ट्विटर के थ्रू, आपको जो है मिनिस्ट्री ऑफ सिल्क बोर्ड को, टेक्सटाइल को आपको जगाने का, क्योंकि ये सोए हुए है, ये रिजल्ट ऐसे नहीं जारी करेंगे, इसके कान में जू तक नहीं रेंगती है कि कैंडिडेट का यहाँ पे रिजल्ट रुका हुआ है। और हमारी दोस्त में से ही कुछ दोस्त इसका अपोज भी करेंगे, हमको पता है कि वीडियो को डिसलाइक भी करेंगे, लेकिन दोस्तों आप लोग का रिजल्ट जब तक नहीं जारी होता है तब तक यहाँ पर मैं चुप होकर बैठने वाला नहीं हूँ। सब आदमी का यहाँ पर रिजल्ट जारी होगा, और सबका जो जिस आदमी का अच्छे से मार्क्स यहाँ पर पास हुए होंगे, वे कैंडिडेट वेट कर रहे होंगे कि हमारे रिजल्ट कब तक यहाँ पर जारी होगा। तो आप लोग को क्या करना है, देखिए आप इसके ट्विटर हैंडल पर डायरेक्ट आ सकते हैं, आपको गूगल में टाइप करना है सेंट्रल सिल्क बोर्ड, और जैसे ही आप यहाँ पर टाइप कीजिएगा आपको नीचे ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पर, देखिए ट्विटर हैंडल पे डायरेक्ट इनको आ जाता है, ये इनको टैग करके आपको जो है लिखना है। दोस्तों मैंने मेल भी किया है, मेल के पे भी इन्होंने कोई रिक्वायरमेंट यहाँ पे जो है कोई अपडेट नहीं यहाँ पे दिया है। देखिए दोस्तों जिस तरह का जैसा फॉर्म फिलअप था से वैसा फॉर्म फिलअप है, किसी तरह का यहाँ पर कोई जो है आप देख सकते हैं किसी तरह का अपडेट नहीं दिया गया है। ये सरकार के पीछे जो है रिक्वायरमेंट के पीछे या कोई धांधली चल रही है या कोई गड़बड़ी हो रही है दोस्तों, इसका भी खुलासा हो जाएगा। लेकिन ये रिजल्ट क्यों नहीं जारी करेंगे, ये सबसे बड़ी ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पे ज्वाइनिंग आपका 2 से 3 मंथ के अंतर्गत करा देता है, लेकिन ये जो है अभी तक रिटर्न टेस्ट का रिजल्ट ही नहीं दिया है, तो ज्वाइनिंग कहाँ से कराएंगे। तो दोस्तों आप लोग जरूर सपोर्ट कीजिए, कुछ कैंडिडेट होंगे जो हमारे वीडियो को अपोज करेंगे, लेकिन उनको उनसे हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है ट्वीट कीजिए, और एक डेट निर्धारित कीजिए नीचे कमेंट बॉक्स में, हम लोग ट्वीट करेंगे, क्योंकि बहुत सारा यहाँ पे जो है एक ट्विटर के ही माध्यम है जो कि हम इससे रिजल्ट के बारे में पूछ सकते हैं। और दोस्तों कोई ऑप्शन नहीं है, मैंने मेल फोन खोल पूरा ट्राई कर लिया है, लेकिन इसमें कोई तरह का यहाँ पे इन्होंने किसी तरह के बात नहीं किया, ना कोई मतलब कि अपडेट दिया है ना कोई बात किया है। और इस तरह का अगर रिक्वायरमेंट को ऐसे कैंसिल कर दिया जाएगा तो दोस्तों ये बहुत बड़ी गलत बात है। एग्ज़ाम लेने के बाद फॉर्म भी दोस्तों हम लोग से अच्छे खासा पेमेंट लिया है, लेकिन इन्होंने अभी तक फी पेमेंट मतलब अभी तक रिजल्ट नहीं दिया है। कम से कम रिजल्ट दे देता है तो कैंडिडेट सिक्योर हो जाता कि ये जो है वो पास है या फेल है,
दूसरे एग्ज़ाम का तैयारी करेगा कि नहीं करेगा। ये बहुत बड़ी यहाँ पे जो है गड़बड़ी हो रही है सेंट्रल सीट बोर्ड में। दोस्तों आप लोग जरूर नीचे कमेंट कीजिए, एक डेट डिसाइड किया जाएगा और आप लोग का ट्विटर कैंपेन चलाया जाएगा। तो दोस्तों मैं यूट्यूबर हूँ, लेकिन दोस्तों आप लोग का बहुत हेल्प करूँगा, आप लोग जरूर सपोर्ट कीजिए।